तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इधर, दिखाओ इधर मेरे भाई, देख सकते हो हमारे पास आज टोटल कितने जूते हैं। टोटल हमारे पास आज 7 जोड़े जूते हैं, और यहाँ पे दिखाओ अब 7 जोड़े जूते हैं। और 7 जोड़े जूते में मैं बताने वाला हूँ सेगा के जूते अच्छे होते हैं या पूमा के होते हैं या फिर एडिडास के या फिर नाइकी के या फिर एसिक्स के, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास 7 वैरायटी के जूते हैं। सस्ता कौन है, कौन सा जूता स्प्रिंटर के लिए है, कौन सा जूता 1600 मीटर के लिए है, कौन सा जूता 5 किलोमीटर के लिए है, कौन सा जूता किसके लिए है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ जूते के ऊपर की बात करेंगे। तो चलो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे रनिंग वाले यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हैं हमारे पास कितने जूते हैं टोटल भाई, 7 जूते हैं। ठीक है, सभी अलग अलग ब्रांड के जूते हैं और सभी एक से एक बेहतरीन जूते हैं। तो सभी जूते के बारे में आपको मैं बताता हूं अभी। ठीक है, तो दोस्तों सबकी पसंद, सबकी रनिंग की शुरुआत, या फिर बोला जाए इंडिया का राजा किसे कहा जाता है, सेगा को। आप देख सकते हैं ये जूता जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो ये जूता है जो आप भी दौड़ते होंगे और मैं भी इसी जूते से आज दौड़ना सीखा हूं। लेकिन इस जूते में क्या अच्छाई है क्या खराबी है वो मैं पहले बताता हूं। देखिए ये जूता नॉर्मली जो भी है लोग हैं वो अफोर्ड करते हैं, खरीद सकते हैं नॉर्मली। इसका 450 रुपए इसका दाम है, तो इसे लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और ये थोड़ा ब्रांड भी नाम बन गया है, सेगा 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 सेगा। रील्स में भी आप देखते होंगे कि सेगा के जूते से हमने 1600 मीटर 440 में दौड़ा, तो बहुत अच्छी बात है दौड़ा तो। लेकिन 440 में दौड़ने के पीछे भी कुछ रीज़न है, कुछ सारे बहुत सारे इंजुरी भी आते हैं इस जूते से, तो मैं आपको इसके बारे में साइड इफेक्ट आप बताता हूँ। उससे पहले चलिए मैं आपको और दूसरे जूते से रूबरू कराता हूँ। ये जूता हमारे पास है पूमा का जूता। सबसे पहले ये तो पता है, ये 500-600 रुपए का जूता, ये हमारे पास पूमा का जूता है। देख सकते हैं प्री परफॉर्मेंस का एकदम बहुत तगड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे सोल, देखिए किस तरह से स्पंची है, देख सकते हैं, देखिए किस तरह से दब रहा, देखिए देखिए किस तरह से, और इसका नहीं दब रहा, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मली है। ये जूता है 4 से 5 हज़ार रुपये का। कितना का है? 4 से 5 हज़ार रुपये का ये जूता है पूमा का। ठीक है, ये जूता है एडिडास का, देख सकते हैं मैं यूज़ करता हूँ अभी एडिडास, बहुत सारे वीडियो में भी आप देखे होंगे। ये जूता है, ये भी 4 से 5 हज़ार रुपये का जूता है, जो एडिडास कंपनी का, देख सकते हैं यहाँ पे लोगो एडिडास का है। उसके बाद बात करें तो ये नाइकी है, देख सकते हैं ये नाइकी जूम है, देखिए जो ये बहुत अच्छा जूता है जो अभी मैं यूज करता हूँ। देखिए इसका स्पंची, देखिए यहाँ दिखाइए, देखिए किस तरह से घुस जा रहा, देख रहे हैं ना स्पंची है। ये भी 6 से 7 हज़ार रुपये का जूता है, 6 से कितना 7 हज़ार का जूता है। ये हमारे पास है एक एसिक्स का जूता, देख सकते हैं ये एसिक्स का, देख सकते हैं लोगो भी है और एसिक्स का ये शूज़ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एसिक्स का शूज़ है, ये भी बहुत स्पंची है, देखिए यहाँ देखिए किस तरह से कितना स्पंची है, कितना दब रहा मेरा हाथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है एडिडास का जूता मेरे पास जो आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, अभी नाइकी का भी है तो नाइकी का मैं आपको बता दूँ। तो देखिए सभी जूता, इस जूते को छोड़ के सभी जूते 1000 रुपये से ऊपर के हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर हमारे लिए बेस्ट शूज़ कौन सा है, पूमा है, नाइकी है, एडिडास है, एसिक्स है, क्या है। आप 1600 मीटर दौड़ते हो और आप 400 मीटर दौड़ते हो या फिर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो, तो जूता सब चीज़ को दौड़ने के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लोग सब एक ही यूज़ करते हैं, सेगा रफ एंड टफ सबसे बेस्ट। आप लोगों का मानना है, हमारा मानना भी यही था, लेकिन इस जूते से क्या होता है, बहुत सारे इंजरी होते हैं। क्या होते हैं कि देखिए इस जूते के जो सोल है ये बहुत हार्ड होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है। और ये सब शूज़ क्या है, देखिए कितनी स्पंच है, देखिए स्पंची, इसी का पैसा लेता है ये सब। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जूता आप पहनो मत, ये जूता भी बेस्ट है, लेकिन ये जूता ज़्यादा यूज़ आप मत करो, क्योंकि आपको इससे सीन पेन होता है। लेकिन आप बोलोगे सर अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे बजट में बताओ जूता, तो वो भी बताएंगे, रुक जाओ 5 मिनट बस। तो देखो यहाँ पे दिखाओ एक बार, यहाँ पे बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारे बेस्ट शूज़ हैं, पूमा, नाइकी, एडिडास, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आप लोगों के लिए 1600 मीटर के लिए बेस्ट शूज़ कौन सा है। तो 1600 मीटर के लिए देखिए यहाँ जितने शूज़ दिख रहे हैं,
ये सारे शूज बेस्ट हैं 1600 मीटर के लिए, लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो या फिर आप उससे ज़्यादा 10 किलोमीटर या फिर डेली रूटीन डेली वार्म अप करना चाहते हो या फिर बॉडी फिटनेस के लिए दौड़ना चाहते हो तो फिर आप ये शूज भी ले सकते हो नाइकी के लिए, डेली फिटनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, नाइकी का एडिडास का ये शूज ले सकते हो या फिर नॉर्मली कोई अच्छा सा शूज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंटर्स देख रहे हैं हमारा वीडियो, जो 100 मीटर 200 400 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो कौन सा शूज ले सकते हैं? देखिए ये जो नाइकी है ना, देखिए लॉन्ग रनर का शूज देखिए कितना है और ये स्प्रिंटर का शूज है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो कोशिश कीजिए जो स्प्रिंटर्स हैं वो अच्छे क्वालिटी का शूज यूज करने का, क्योंकि सेगा से नहीं होगा भाई, सेगा से इंजरी आएगा, वो स्पीड नहीं पकड़ेगा या फिर वो अच्छे पोजीशन पर नहीं आएगा। इसका देख सकते हैं इसकी जो बनावट है, चौड़ाई है, वो देखिए यहाँ सेगा और नाइकी में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस देख सकते हैं आप, डिफरेंस क्या है, दोनों अलग ही हैं, सेम टू सेम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से, इधर का पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं पूरा फ्लैट। इससे क्या होता है, सेगा से जो लोग सेगा दौड़ते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनका फ्लैट फुट क्यों होता है, इसीलिए होता है, मैं बता रहा हूँ बार बार। देखिए इसका क्या है, इसको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ दिखाइए, अंदर दिखाइए, अंदर देखिए ये पूरा फ्लैट फुट है, देखिए ये पूरा बराबर है, देखिए पूरा बराबर है आप जब, लेकिन अब यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले ये पूमा का जूता है और ये नाइकी का शूज है, देखिए दोनों में आगे की तरफ उठा हुआ है, दोनों के बीच में गैप है ना, इधर भी देख सकते हैं पीछे भी उठा हुआ है, इधर भी पीछे भी उठा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि फ्लैट फुट नहीं होगा। लेकिन जब हम इसे रखते हैं तो देखो पीछे की तरफ भी पूरा मर गया, ये आगे की तरफ कुछ ज्यादा ही उठ गया, तो ये जो पोर्शन है ना ये सटने नहीं चाहिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, तो बिल्कुल इसी तरह से इससे फ्लैट फुट भी होता है। लेकिन आप यूज करो, कोई गलत बात नहीं है यूज करना, लेकिन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि 1200 1500 या फिर 800 900 रुपए में भी बहुत सारे कैंपस के शूज आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी ब्रांड हैं जो आपको शूज सस्ता में देती है, जो अच्छा है, आपके लाइक है, जिसे आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अच्छा से अच्छा शूज यूज करो स्प्रिंटर्स के लिए, देखिए ये सब पूमा शूज बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं, अगर एसिक्स की बात की जाए तो एसिक्स के शूज बहुत महंगे आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, 2 से 3 साल हो गया भाई, फटा नहीं है अभी तक, ठीक है। ये शूज भी 2 से 3 साल हो गया, देख सकते हैं एडिडास, एक बार पैसा खर्चा करो शूज अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का शूज कंपैरिजन के ऊपर की वीडियो, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा आप सेगा भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेगा कम यूज करो, क्योंकि इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, आपके पैरों में इंजरी आ सकती है, दर्द जो तलवे में दर्द होता है ना या पैर के एड़ी में दर्द होता है तो इसी के कारण होता है, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि अच्छा शूज लेने का, कोई भी अच्छा शूज ले सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से नाइकी वाइकी कुछ ले लीजिए, 1000 1500 अभी ऑफर आने वाला है फ्लिपकार्ट में, बिग बिलियन डे उस टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। यही था आज की शूज़ के ऊपर की वीडियो, आप लॉन्ग रनर के लिए बहुत सारे शूज़ ऐसे हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ले लेना, स्प्रिंटर्स के लिए भी डाल दूंगा, और नॉर्मली 1600 मीटर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी आपके बजट में 1500 के नीचे में डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे रनिंग टिप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।